लिटरली कि आप इतना जल्दी लाइक एम पूरा कर दोगे और हमें सुपर कार लानी पड़ सकती है इतनी जल्दी, मैं प्रिपेयर ही नहीं था, मुझे क्या पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो, सच बता रहा हूँ, अगर मैं अकेला कोशिश करूँगा तो अभी यार अपन वीडियो तो हम ही है ना, हम सब मिलके कोशिश करेंगे भाई। तो भी ठीक है गाइस, वैसे ऑलरेडी आपने वीडियोस देख रखी यार, हम कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब यार लाइक एम पूरा हो गया, मैं अब मेरे जमीन के कागज बेच दे, जमीन नहीं बेच दो, अरे किसी की किडनी नहीं चाहिए, तुम सब साथ आना। चलो तो फिर लेके आते हैं टाइटेनियम आर्मी के लिए सुपर। आपने अपनी गाड़ी के लिए यानी कि अपनी जो टाइटेनियम आर्मी गाड़ी है उसके लिए लाइक एम पूरा किया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और टीम तो पूरी तैयार है। चलो लेके आते सुपर कार, चलो पड़ेगी। ये सबके गल्लक टूट गए, तूने काय के लिए रख रखे थे? मेरे गल्लक में सबसे ज्यादा पैसे काय के लिए रख रखे थे तूने? यार वो सब आम गांव में गुड़ के तुझे आईफोन लाना था, गया तेरा बुल्ले लेकिन सारे कागज ले आ, जमीन के चेकबुक जितनी भी चीजें सबके ले आ, फाइनेंस भी तो कराना पड़ेगा गाइस, सुपर कार ऐसे नहीं आती है, तो इससे तो हो जाएगा अपना डाउन पेमेंट, समझ रहे हो? ये तो हो गई अपनी डाउन पेमेंट और इससे अपन करा देंगे फाइनेंस, लेकिन सुपर कार आके रहेगी।
हाँ मालिक, बस निकल रहे हैं हम यहाँ से। कितना टाइम लगे अब यार, यहाँ से दिल्ली पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, उतनी देर में पहुँच जाएंगे। चलना बैठना तू गाड़ी में। अपन क्या दिल्ली चल रहे क्या? हाँ दिल्ली चल रहे हैं। कौन सी गाड़ी ले रहे हो वो तो बता दो। बताओ कौन सी ले रहे हो, बता बताओ यार। अब मैं तो बता के जाओ कौन सा। अरे चलना, सरप्राइज है यार, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज है। तुम काम करो, अपना आम खाओ, गुठली मत गिनो, बस तैयार रहना। बैठ 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 बैठ। तो गाइस चलो चलते हैं दिल्ली, तैयार हो। इनके मुंह देखो ऐसे ऐसे, मतलब असमान जैसे। सब चलोगे क्या? मिलेंगे यार। नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम लेके वापस हम लेके आ रहे हैं। तुम बस तैयार रहना, मिठाई रेडी रखना बिल्कुल, और बस हम चलते हैं गाइस। आपको मिलते हैं दिल्ली के अंदर। बाय, टाटा, बाय बाय। मोटे बताऊं कौन सी ले रहे हैं? बताऊं? बताना भाई, बताऊं? बताऊं? तो तेरे काम करना है भाई, तेरा काम है कैमरा चलाने का, चला ले। मैं मेरी बात सुन। वैसे तो मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, अब ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। अगर ऊपर नीचे होगा तो अपन को अरेंज करना है ना, तो थोड़ा बहुत जो जैसा बोलो वैसा करना है। क्या है क्या नहीं वो सब सरप्राइज है। तो गाड़ी कौन सी है तो बता। अरे तो तू पागल, नहीं बताऊंगा। अरे एक बार बता दे, बता दे। दिनेश पूछना भाई, बता दूं मन तो बताइए, छजे कान में गई मोइन कौन बताऊं? बता दूं? हां, न्यू वरना, नई वाली वरना, सरप्राइज नई वाली। अबे इसने भी सुन लिया यार। अरे ये तो यही मिल जाएगी, वहां जाने का जरूरत पड़ रही बता दे। हां तो फिर तू तो सर काम कर रही। गाइस दिल्ली मिलते हैं यार, दिल्ली मिलते हैं दिल्ली। Later that same evening. तो गाइस बस चल रहे यार, बस गुदगुदी हो रही है अंदर। मेरे को लग रहा है यार अपन गाड़ी ले रहे क्या? अपन गाड़ी ही लेने चल रहे हैं भाई। मैं भी काइंड ऑफ, मेरे को पता है गाड़ी ले, मुझे लग रहा है यार ऐसा कुछ है ना। कौन सी गाड़ी है? अब चल रहे हैं, कुछ देर के अंदर देख लेना गाइस। आप भी देखना टाइटेनियम आर्मी के लिए क्या सरप्राइज है, और तुम भी देखना। दिमाग लगा रहा हूँ मैं, कौन सी गाड़ी हो सकती है। मैं पता लगा गाइस हमने वैसे हम जब भी दिल्ली आते हैं ना तो बीच में कोई होल्ड लेते हैं, लेकिन इस बार हमसे रहा नहीं गया। एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इनको कहा नहीं रुकना नहीं है, सीधा चलना है, कहीं पे भी हमने स्टॉप नहीं किया। तो गाड़ी तब से रेगुलर चल ही रही है, गाड़ी के टायर के अंदर हवा नहीं है, कम है, फिर भी गाड़ी चल ही रही है। तो गाइस ये पहुंच गए हम फ्यूजन कार्स मलिक भाई के पास। मोटे, अरे ये पर्दे वर्दे क्यों लग रखे थे? यहीं पे जाना है क्या? हाँ यही चलना है, लेकिन ये पर्दे वाली जगह पे कोई प्रोग्राम होगा उनके भाई। आपने चलो चलना देखा है क्या? सरप्राइज दे रहा है भाई? चलना यही बता दूं तेरे को सब मैं। ये देख भाई इनको, तेरी तो गाइस ये फ्यूजन कार्स मलिक भाई यहाँ। ओरे भाई ये सब क्या है यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मलिक भाई ये मेरी टीम है। अरे हाय हाय गाइस, ये हमारे मलिक भाई, ये आपके लिए थैंक यू सो मच। और ये मलिक भाई हैं, और ये भी हमारे भैया हैं, और मैंने इनको नहीं बताया अभी कुछ भी। अच्छा, इनको नहीं बताया। तो आपके लिए गाड़ी के साथ साथ और भी सरप्राइज रखे हुए हैं मैंने। ये सब मतलब ये स्पेशल परफॉर्मेंस आपके लिए, ये देखिए जी ये परफॉर्मेंस। अरे मलिक भाई इतना सब करने की कहाँ जरूरत थी भाई, प्यार दिखता है ना भाई के लिए। देखो यार इंडिया हैकर आ रहा है यार, इंडिया का नंबर वन बंदा है भाई हमारे। तो मुझे नहीं पता था इस सब के बारे में, मुझे तो बस एक सरप्राइज सही रहता है मलिक भाई की तरफ से। मोटे फाइनली मोटे, तो गाइस ये है टाइटेनियम आर्मी के लिए सरप्राइज।
देख ले ये सरप्राइज अभी भी गाइस थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है। रखेंगे सब खोलेंगे, पूरा सस्पेंस खुलेगा। आओ पहले तो केक कटिंग करवाएंगे भाई के लिए। पहले मुझे ये बताओ, हाँ जी, इतना सब कुछ करने की कहाँ जरूरत है? पता है क्या है, हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मिस्टर इंडिया, अरे मेरे बच्चे तक यहाँ आए हुए हैं कि मिस्टर इंडिया हैकर आ रहा है, तो हम सिंपल तो जाने ही नहीं दे सकते थे। ये हमने कल रात से, जैसे ही हमें फोन आया था भाई का, हम सारी टीम को अरेंजमेंट करके आज सारी आपकी डिलीवरी। गाइस मैंने बस मलिक भाई को इतना सा फोन किया था, मलिक भाई ये बात है, अभी नाम नहीं लूंगा और इनको पता पड़ जाए ये बात है, बस आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इतना सब कुछ किया। थैंक यू सो मच मलिक भाई, लव यू, लव यू। जो नॉर्मल केक कटिंग होता है कोई नाइफ से करेगा, कोई हाथ से करेगा, लेकिन टाइटेनियम आर्मी कुछ तो हल्का करते नहीं, तो इसलिए हमने तलवार मंगाई हुई है। केक कटिंग की तलवार रखना चाहिए। मलिक भाई सेलिब्रेट करें फिर। देखो हर बार जो भी काम होता है वो मैं ही करता हूँ, लेकिन ये ख्वाहिश मोटे की थी, तो केक कटिंग भी मोटा ही करेगा। बोलो जय माता के, जय माता के, चला दो तलवार। मलिक सर आइए, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस फाइनली अभी भी सस्पेंस है, अभी भी इनको नहीं पता है कि कपड़े के अंदर क्या है। सब कुछ सरप्राइज रखना है। गाइस नॉन वेज का बोल कोई चुनिए भी रेस्टोरेंट सौगन नहीं है। आ जाओ ये जी गाइस बच्चे मेरी जान है। हेलो कैसे हो? हाय। अरे तुम मुझसे बड़ा सवाल पूछते हो ना, लो पब्लिक से पूछो कोई सवाल, पूछो जल्दी, पूछो, शर्माने का नहीं, कुछ भी पूछो, कोई भी पहेली। हाँ, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें आप एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते? ठीक है गाइस, तो ऐसा कौन सा रूम है जिसमें आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते? कमेंट्स में बताइएगा गाइस, कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्लान है? आओ जी, तो अभी चल रहा है कार्यक्रम, अभी तो और ये इनके चेहरे देखो एक बार, ये इनके चेहरे पे मतलब एक शिकन है, एक सरप्राइज है, क्या मतलब चल के आ रहा है यहाँ पे, इनकी नजरें बार बार इधर जा रही है, मेरे कैसे कर रहे हैं, चलना इस तरह। हम करेंगे चैंपियन की बारिश। गाइस देखो मैंने आज तक कभी ऐसे चैंपियंस ऐसा देखो, मलिक सर मैंने तो कभी देखो, पता है मैं मोटा भाई वगैरह के लिए सारे देखो, लेकिन देखिए इन्होंने मेरे लिए इतना किया है, तो थैंक यू सो मच। चलो करते हैं फिर एंजॉय साथ में, जैसा आप कहे वैसे ही। चलो आज चैंपियन ही खोल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। मोटे चैंपियन अब अपने को पता नहीं है वो खुलती कैसे है। हाँ भाई देख, अब नॉन एल्कोहलिक है यार। हाँ लेकिन वो चला, कोक होती तो फिर भी कर ले, लेकिन चलो ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। सागर भर दिए धीरे 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 खाली, बादल कर दिए बनकर एक दिन आसमान में, तारा चमकूंगा देखो माँ और पापा, मैंने सपने सारे सच कर दिए। तो तैयार है सरप्राइज के लिए? तैयार। टाइटेनियम आर्मी आर यू रेडी? तो ये है कि अरे इसको दीजिए ना। अरे वाह वाह वाह, लो जी करो अनलॉक। चलो फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, 1 2 3 अरे तो अभी तो असली अनबॉक्सिंग है कि फाड़ दो। मैं कैमरा चलाता हूँ, कैमरामैन की खुशी भी आप देख लीजिए। अरे भाई टाइटेनियम आर्मी का नया फैमिली मेंबर, और आप लोगों के लिए
देखा करता तो खुली आंखों से सपने जाग जाग के रातों को जोड़ जोड़ के किस्मत की लकीर बनाता हाथों को था वक्त बुरा जो बदल दिया और बदल दिया हालातों को छुपा के रखा मैंने हर गम अपना और सारे जज्बातों को जो नेगेटिव मेरी सोच करे मिट्टी में मिला दिया बातों को मुझे किसी बात की फिक्र नहीं कर भाई मेरा मेरे साथों तो जीरो से करी थी शुरुआत तब स्ट्रीम करूं मैं लाखों को। तो गाइस फाइनली आपने लाइक एम कंप्लीट किया और ये रही टाइटेनियम आर्मी की ब्लैक कलर की मस्टैंग। और साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है मलिक सर, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये एक्चुअली मेरी स्कूल की ड्रेस है। अरे तेरी सर, हमारे राजस्थान में सर गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें यही ड्रेस चलती है। जब मैं ये पहन के रोडों पे जाता था और जब मैं देखता था बड़ी कारें, तभी से मेरे दिमाग मतलब ड्रीम्स और ख्वाब और सपने आया करते थे, काश मैं भी एक दिन अपन ऐसा कुछ लेंगे। तो आज फाइनली वो मैं फील कर पा रहा हूँ, हालांकि भी मैं स्कूल में नहीं हूँ, बट जानबूझ के मैंने ये ड्रेस पहनी है ताकि मैं वो फील जो उस टाइम में नहीं ले पाया वो आज ले पाऊँ। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है सिर्फ और सिर्फ जो ये लोग देख रहे हैं ना, इनकी वजह से, इनकी ऑडियंस की वजह से। और देखो अभी तो हमें छुपाना पड़ गया, आप लोग आ रहे हो। ये टैंक भी इसलिए आप पीछे दिखा सकते हो, ये हमने पूरा शोरूम इसलिए कवर किया कि किसी को पता ही ना चले मिस्टर इंडिया एक्टर आ रहे हैं, और एल्स हम ये कर ही ना पाते सारा तामझाम। सो गाइज थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी अब मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपनी कार है टाइटेनियम आर्मी की, तो ये मेरे से कान में बोल रहे हैं कि यार भाई तो अपन है थोड़ा यार फ्यूजन कार के लिए बोल दो। अरे मलिक फ्यूजन कार। तो गाइज अगर आपको भी कोई भी लग्जरी कार पसंद आए, आपका भी कोई सपना हो, मलिक सर हैं एनी टाइम, जो गाड़ी बोलोगे जैसी गाड़ी बोलोगे हो जाएगी अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल हो। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज। मोटे बाल निकाल। लोग कहते तो छोटे घर का लड़का क्यों देखे सपना बड़ा, दिन दुगनी रात चौगनी वाली बातें सच होने लगी, वो जितने जलते रहे मुझसे मैं उतना होता गया बड़ा, मैंने बुरा किसी का नहीं करा ना कभी अपना होने दिया, भरे आँखों में आंसू कई दफा पर खुद को कभी न रोने दिया, दिल साफ रखा मैं गिरा नहीं बाकी जो हुआ वो होने दिया, मैं सीज तरह बीज को तब तक जब तक सही से बो ना दिया, मैं रुका नहीं बढ़ता चला आग की तरह हर बार जला, मैं खुद यहाँ तक नहीं आया मुझे हाथ पकड़ कर लाई कला। भाई जभी लेके चलते अपनी गाड़ी को, अपनी आपकी मेरी अपने घोड़े को अपने ऑफिस नॉन स्टॉप जाएंगे सीधा अभी ऑफिस में किसी को भी नहीं पता है। गाइस फाइनली ये है व्यू मस्टैंग से, कैसा लग रहा है मोटे भाई? कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि ये गाड़ी लेंगे, और लेकिन ऐसा संयोग बना और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा था, और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है यार, पता नहीं क्यों मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये यकीन नहीं हो रहा, मतलब मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। हाँ भाई मैं जब दुबई गए थे ना अपन, वहाँ पे वो गाड़ी चलाई थी, तो मैंने भी नहीं सोचा था यार अपनी खुद की गाड़ी होगी भाई, रियल में यार कसम से। भाई लोगों का प्यार है और ये गाड़ी है टाइटेनियम आर्मी की। गाइस सच बता रहा हूँ ये स्कूल की ड्रेस हमारी स्कूल की है, और मैं बस ये अच्छा जो वो है इसे मैं खराब नहीं करना चाहता, बस कॉन्ग्रेचुलेशन टाइटेनियम आर्मी, अगर आप वो लाइक गेम पूरा नहीं करते ना तो शायद हम ये गाड़ी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी आप लोगों ने, यस कह दिया आप लोगों की, हाँ हो गई मस्त है। चलो गाइस इसके अंदर तेल भराते हैं, जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं तो हमेशा हम सबसे पहले, और आप लोग भी शायद वही करते होंगे, सबसे पहले उसकी टंकी फुल कराई जाती है। तो गाइस ये मेरे अकेले का सपना नहीं है, ये अकेले विक्रम का सपना नहीं है, ये अपन सबका सपना है जिसके अंदर अपन अभी बैठे हुए हैं, और वो गजराज और दिनेश दूसरी गाड़ी के अंदर आ रहे हैं अपनी, जो वरना है वो भी कम नहीं है, वो भी मेरी रानी है, तो वो उसको लेके आ रहे हैं, वो कह रहे यार भाई मुझे दे थोड़ा मुझे लाने, देखेंगे आगे आगे चेंज करेंगे पहले तेल भरा लेते हैं। देखो बोनट कितना लंबा लग रहा है इसका, ये देखो बहुत लंबा बोनट है। फुल कर देना भैया ना पेट्रोल।
गाइस टंकी फुल कितने की हुई है देख लो, 48 लीटर टैंक ओ पेट्रोल आया इसमें। बताओ 48 तो कर दो तो क्या करूँगा, कर दो 48 तो कर दो यार। थैंक यू। भाई रात भर ड्राइव कर रहे हैं हम, तो सीधा कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा लेके जाएंगे इसे अपने ऑफिस, अपनी रानी को अपने घर। और गाइस यार क्या भागती है ना ये गाड़ी, क्या भागती है ना, मैं तुम्हें तो बता नहीं सकता। पता है अभी कितनी चल रही है, अभी कितनी चल रही है, अभी ये चल रही है 180। ये देखो कंट्रोल यार, कंट्रोल क्या कर रहा है कंट्रोल। गाइस मतलब कि गाड़ी 200 चल रही है, उसके बाद में भी अगर पंजा दबाया ना तो भी पीछे फेंक रही है। क्या पावर है यार भाई, सही में घोड़ा है। ओ भाई अभी अभी ऐसे 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 नॉर्मल तो है ना 140 160 में तो पता ही नहीं पड़ रहा भाई, 200 के ऊपर है ना रोड में से बम्प आते हैं ना तो पता पड़ता है कि भैया ऐसा कुछ है। 140 तो नॉर्मल है इसके लिए, 140 तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा गाइस हमने भी सिर्फ हल्का सा टेस्ट देने के लिए इतना वो किया, बाकी गाड़ी जो है जो रोड्स की लिमिट है जैसे इस रोड की लिमिट है 120 तो हमें उससे ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। और अब हम फिर से स्पीड स्लो कर लेंगे और आराम से चलाएंगे, आराम से चलाना भैया ना, टेक केयर। तो गाइज अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ भाई, वहां से लेकर ड्राइव कर तक यहाँ तक आए। अभी दिनेश कह रहा है कि यार मैं चलाऊंगा, तो अभी दिनेश चला रहा है गाड़ी को और मैं जो है मैं वरना के अंदर बैठ रहा हूँ और हम आज ही लेके जाएंगे घर पे, ठीक है। मैं पब्लिक को पहले बताऊं गाइज ये जो पीछे आ रही है ना ब्लैक कलर की गाड़ी चीता, 2012 से लेके अब तक की मेहनत है और ये गाड़ी आप लोगों की है, मैं मुझसे ज्यादा इसे आप लोगों की गाड़ी मानूंगा। ये टाइटेनियम आर्मी की गाड़ी है, अपन सबकी गाड़ी है, आप सभी का प्यार है, आप सभी का प्यार है। तो गाइस इस वीडियो को तो प्लीज यार मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। ऑफिस लेके चलेंगे, एक और शूट डालेंगे, हालांकि मैं एक ही सेम टॉपिक पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच यार आपने लाइक टारगेट इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया था कि मेरे पास वक्त ही नहीं मिला, मैं भागा भागा दौड़ी, इतनी भागा दौड़ी कि इतना वो किया। आई एम रियली टायर्ड, लव यू सो मच गाइज। ऑफिस लेके चलते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से गाड़ी का रिव्यू देंगे, अच्छे से बताएंगे गाड़ी के बारे में सारी चीजें। चलो गाइस फिर आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय टाइटेनियम आर्मी, टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लव यू गाइस दिल से। पापा ने सिखाया शान से जीना, माँ ने दिए मुझे संस्कार, कंटेंट रखा मैंने साफ शुद्ध विचारों का कराना व्यापार, लोग खुश नहीं खुद की तरक्की से कैसे वो इंसान यार, उनकी जीत से ज्यादा शोर मचाए मेरी हार, शोर मचाए मेरी हार।